नमस्कार, मैं प्राची सिंह जॉली अंकल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नारी शक्ति को सलाम कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम सभी देशवासियों की ओर से हरियाणा की मानुषी चिल्लर को मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने की मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने दुनिया की 108 सुंदरियों को पछाड़ कर यह खिताब अपने नाम किया है। मानुषी ने सारी दुनिया का सबसे खूबसूरत ताज अपने नाम करके एक बार फिर पूरे विश्व में हिंदुस्तान की खूबसूरती का लोहा मनवा दिया है। इसी के साथ उन्होंने यह साबित कर दिया कि आज की नारी अकेले ही आसमान को छूने का दम रखती है। इस खास मौके पर सभी तहे दिल से नारी शक्ति को सलाम करते हैं। देश की नारी आज इतनी बुद्धिमान और शक्तिशाली है कि वो अकेले ही इतिहास रचने का दम रखती है। नए जमाने की औरतें पुरुषों के मुकाबले हर काम को अधिक निपुणता और कुशलता पूर्वक करने का हुनर रखती हैं। आज की नारी सिर्फ ऊंची एड़ी के जूते ही नहीं पहनना जानती, बल्कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने की भी ताकत रखती हैं। नारी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर यह कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकतर देशों की करेंसी पर महिलाओं की तस्वीर छपी होगी। आजकल की साहसी और आत्मविश्वासी लड़कियां असफलता से डरने की बजाय निडर होकर हर दिन आगे बढ़ने में विश्वास रखती हैं। आदमी औरत को बेशक कितना भी कमजोर क्यों न समझें, लेकिन वो उससे अधिक काम करके भी न तो थकती हैं और न ही कभी कोई शिकायत करती हैं। अब वो समय आ चुका है कि जब सारी दुनिया यह मानने लगी है कि महिलाएं किसी तरह से भी मर्दों से कम नहीं हैं। अगर आदमियों को औरतों का साथ न मिला होता तो शायद हम आज भी गुफाओं में बैठकर कच्चा मांस खा रहे होते। कोई भी पुरुष आज तक जीवन में अकेले कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, उसके लिए यह काम उसके जीवन में मौजूद एक औरत ही करती है। नारी अगर एक बेटी, बहन और माँ बनने की ताकत रखती है तो उसे समाज के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज की नारी को गलती से भी बेचारी कहने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हर क्षेत्र में पुरुषों पर भारी है। कल तक जिस काम को सिर्फ पुरुष ही करते थे, आज की बहादुर औरतें वो सारा काम अकेले ही करने से नहीं घबराती। हम लोग अक्सर लड़कों को परिवार का वारिस समझते हैं, जबकि लड़कियां उस पारस की तरह होती हैं जो आने वाली पीढ़ियों को सवार देती हैं। किसी भी औरत को काम करते समय सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी से ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया की परेशानियों से मुकाबला करना पड़ता है। अभी तक महिलाओं के लिए इस दुनिया में जीना मुश्किल था, लेकिन आज वो दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। हर औरत को एक बात सदा याद रखनी चाहिए कि कलम और तलवार से अधिक शक्ति अगर किसी के पास है तो वो नारी के पास होती है। कोई भी देश पूर्ण रूप से तभी तरक्की कर पाता है जब वहाँ की औरतें भी तरक्की की राह पर अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू कर देती हैं। आज के दौर की नारी में इतना आत्मविश्वास आ चुका है कि वो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिम्मत रखती हैं। आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि लड़कियों का मायका ससुराल तो होता है, लेकिन उनका अपना कोई घर नहीं होता, जबकि हकीकत यह है कि औरतों के बिना कोई घर घर नहीं होता। पुरुष खुद को बेशक कितना भी शक्तिशाली क्यों न समझें, लेकिन जब तक एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाने की बात आती है, उस समय औरतों को पछाड़ना नामुमकिन होता है। नारी बड़े से बड़ा दुख भी खुशी खुशी सहन करने का जज्बा रखती है। आदमी खुद को चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न समझ ले, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसको जन्म एक औरत ही देती है। संघर्ष और त्याग के बिना कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता, और यह बात सारा जमाना जानता है कि नारी का त्याग हमेशा ही पुरुषों से अधिक होता है। आज की नारी इतनी समझदार हो चुकी है
कि वह हर बात पुरुषों से बेहतर जानती है और समझती है। आज हर भारतीय का यह फर्ज बनता है कि देश की सभी नारियों को इतना सम्मान दिया जाए जिससे देश की शान और मान बढ़े। कोई भी नारी का अपमान करने का सीधा मतलब यही होता है कि हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। आज की भारतीय नारी इतनी काबिल और कुशल हो चुकी है कि वो मर्दों की तरह दुनिया का हर काम आसानी से कर सकती है। आज की नारी छू सकती है आकाश। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग मिस वर्ल्ड क्राउन, मानुषी चिल्लर। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग विद अस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।